करते हैं आगे बड़ी खबरों में। भोपाल से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। आप भोपाल की राजधानी में कई जगह पर ब्लैकआउट की खबर सामने आ रही है, तो वहीं आपको बता दें कि मंत्री की फटकार का भी कोई असर नहीं दिखा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से आ रही है, शहर के कई इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। अभी तक शहर के कई इलाकों की स्ट्रीट लाइट चालू नहीं की है। मंत्री ने सुबह फटकार लगाई और अधिकारियों को इन्हें चालू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी किसी भी तरीके का अमल नहीं किया गया, तो राजधानी भोपाल के कई इलाकों में ब्लैकआउट हुआ है। मंत्री की फटकार का भी कोई असर नहीं हुआ, जिसकी वजह से शहर के कई इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। नगर निगम और बिजली विभाग के बीच बकाया राशि को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है राजधानी भोपाल में, और उसके कारण शहर के कई इलाकों में बिजली गुल है। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं शहर के वीआईपी नहीं वीवीआईपी वाले इलाके की, जहां पर आपको तस्वीरों में देखने को मिलेगा। ये राजभवन की तस्वीर है, अंदर लाइट है लेकिन सड़क पर लाइट नहीं है, और पूरी सड़क जो वहां से सामने से राजभवन से बनी हुई है उस सड़क की स्ट्रीट लाइट बंद है, और पूरे इलाके में जहां तक ये सड़क जाती है वहां तक बिजली गुल है, स्ट्रीट लाइट की पूरा अंधेरा छाया हुआ है। दूसरी तस्वीर दिखाते हैं दूसरी तरफ की भी जो स्ट्रीट लाइट है वो बंद है। सामने पुरानी विधानसभा है, मिंटो हॉल है, और वहां पर तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उस इलाके की बिजली गुल है। लाखों की संख्या में यहां से रोज गुजरते हैं लोग और बिजली नहीं है, स्ट्रीट लाइट गुल नजर आ रही है। बिजली विभाग और नगर निगम के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। पहले बिजली विभाग की तरफ से लाइट काटी गई, स्ट्रीट लाइट काटी गई, ये कहकर कि आपके ऊपर करोड़ों रुपए बिजली बिल बकाया है। उसके बाद नगर निगम की तरफ से कई बकाया राशि निकाल दी गई। बिजली विभाग की कहा गया कि आपके ऊपर भी लाखों रुपए का बकाया है। सुबह बैठक बुलाई गई नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की तरफ से, और कहा गया और फटकार लगाई गई कि तमाम जितने भी आपसी विवाद है वो उसको साइड में रखें, जनता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए तमाम स्ट्रीट लाइट जहां जहां बंद है उसको चालू किया जाए। लेकिन फटकार का भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा, ये तस्वीर बताती है News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का रियलिटी चेक बताता है कि कई इलाके हैं राजधानी भोपाल के जहाँ पर स्ट्रीट लाइट अभी भी चालू नहीं हुई है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम दिग्गज नेता यहां से निकलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है। कैमरामैन खेमचंद के साथ शबराय अहमद, News24 भोपाल।